हेलो गाइस, अगर आप अब तक चैनल को फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि प्रिंट बेड कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉर प्रिंटिंग, और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो वेलकम टू रीडिफाइन। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें। सो लेट्स बिगिन। थ्री डी प्रिंटर बेड प्रिंटर का वो पार्ट है जिस पर एक्चुअल प्रिंटिंग स्टार्ट होती है। द फर्स्ट लेयर इस पर आके डिपॉजिट होती है, और ये होने के लिए बेड परफेक्टली लेवल में होना चाहिए जिससे कि फर्स्ट लेयर परफेक्टली स्टिक हो जाए। अगर फर्स्ट लेयर स्टिक नहीं होती तो उसके ऊपर के लेयर्स भी स्टिक नहीं होंगे और प्रिंट फेल हो जाएगी। इसीलिए बेड को लेवल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप बेड लेवल सेट कर रहे हो देन यू डो नॉट सेट योर फर्स्ट लेयर हाइट, आप एक्चुअली अपना ज़ीरो सेट करते हो, क्योंकि अगर आपने स्लाइसर के सेटिंग्स में देखा होगा तो उसमें एक फर्स्ट लेयर हाइट होती है, यूजुअली वो 0.2 mm होती है फॉर स्टैंडर्ड 0.2 mm लेयर हाइट। तो जब आप प्रिंट स्टार्ट करते हो तो वो आपके सेट ज़ीरो से 0.2 mm ऊपर जाके प्रिंट स्टार्ट करता है। तो आपको बेड लेवल एक ऐसे हाइट पर सेट करना चाहिए जिस जहाँ से 0.2 mm ऊपर जाके फर्स्ट लेयर सक्सेसफुली स्टिक हो जाए। तो बेड लेवल कैसे सेट करें? यूजुअली FDM प्रिंटर्स के बिल्ड प्लेट के नीचे चार रोटेटिंग नॉब्स होते हैं जो कुछ स्क्रूज और स्प्रिंग से कनेक्टेड होते हैं। जब हम नॉब्स को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्प्रिंग टेंशन बढ़ जाता है और वो बेड को बॉटम में खींच लेता है, जिससे बेड और नॉजल के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। जब हम नीचे वाले नॉब को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्प्रिंग लूज हो जाती है और वो बेड को ऊपर पुश करती है, जिससे नॉजल और बेड के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है। नॉजल हाइट सेट करने के लिए हमें एक रेफरेंस की ज़रूरत होती है। कुछ लोग ज़्यादा लो से सेट करते हैं और कुछ ज़्यादा ऊपर। वेन एवर वी डू द नॉजल हाइट चेक, हम एक A4 साइज का पीस ऑफ पेपर लेते हैं और वो हमारे नॉजल और बेड के बीच में डालते हैं, और उससे एक टाइनी अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होने तक हम बेड को एडजस्ट करते हैं। इफ़ द फ्रिक्शन इज़ टू हाई हम लोग बेड को नीचे ले लेते हैं, और इफ़ द फ्रिक्शन इज़ टू लो और इफ़ देर इज़ नो फ्रिक्शन एट ऑल हम लोग बेड को फिर से ऊपर लेते हैं, और इसी तरीके से नॉजल हाइट एडजस्ट करते हैं। अभी ये हमारा एक पर्सनल ओपिनियन है, और जो फ्रिक्शन फील होती है ये भी एक एक्सपीरियंस से आ जाती है कि कितना होना चाहिए। ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको सही बेड लेवल का अंदाज़ा मिल जाएगा। तो एंड में आता है हम कैसे अवॉइड करें कि बेड लेवल सडनली चेंज ना हो। मेक श्योर आपके प्रिंटर के स्प्रिंग्स अच्छे कंडीशन में हो और गुड क्वालिटी के हो। नंबर टू, मेक श्योर आपकी प्रिंटर की एक्स गैंट्री सही लेवल पे हो। ये टेक्निकली बेड लेवल का इशू नहीं है, बट अगर आपका एक्स गैंट्री सही लेवल में ना हो और बिट बेंट या एक एंगल पे हो तो आपको एक फीलिंग आ सकती है कि योर बेड लेवल मे नॉट बी राइट, बट दैट इज़ एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ एक्स गैंट्री। सो वो भी आपको, इफ़ अगर वो प्रॉब्लम हो तो वो भी आपको फिक्स करना चाहिए। सो आपके एक्स गैंट्री का परफेक्टली लेवल ना होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वन ऑफ द मेन रीजंस जो हमने फेस किया है वो है कि यहाँ पे ये जो बेयरिंग्स होते हैं वो एडिक्वेटली टाइट ना हो, जिसके वजह से देयर मे बी सम काइंड ऑफ प्ले इन दिस एक्सिस। और सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि आपकी जो फ्रेम है वो थोड़ी बेंड हो सकती है, और इसके वजह से भी एक्स गैंट्री स्ट्रेट ना हो। फिर आता है जब आपका प्रिंट कंप्लीट हो जाए तो मेक श्योर कि आप ये जो बिल्ड प्लेट है, इट मे बी मेटल इट मे बी ग्लास, वो बिल्ड प्लेट से निकाल कर और फिर उस पर से प्रिंट्स निकालें, क्योंकि जब प्रिंट्स इस पर हो और आप यहीं से निकालना का ट्राई करें देर मे बी ए चांस दैट कि आप अपने स्प्रिंग्स पर और बेड पर अननेसेसरी फोर्स अप्लाई करें, जिससे आपकी नीचे की फ्रेम बेंड होने के चांसेस होते हैं और बेड लेवल को अफेक्ट कर सकता है। फिर आता है अगर आपके बेड में वॉबल हो। बेड वॉबल होने के रीजंस ये हो सकता है कि आपके वाई एक्सिस के जो नीचे के बेयरिंग्स हो वो भी प्रॉपरली टाइट ना हो। सो प्लीज़ उसे भी ठीक से चेक करें, और चेक करें कि सारे बेयरिंग्स रोल हो ना कि स्लाइड हो। सो ये था एक शॉर्ट वीडियो ऑन हाउ टू प्रॉपरली लेवल योर बेड और द रीजंस जिसके वजह से बेड लेवल प्रॉपरली ना होते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो।
अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप प्रिंटिंग.